अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ हिमांशी सिंह सर्च कर सकते हो या फिर डायरेक्ट लिंक के थ्रू जा सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। वहाँ अनअकैडमी पर मैं कुछ बेहतर कोर्सेज बना रही हूँ जो कि होंगे सी टेट, टी प्लस बी, के वी एस, अदर स्टेट टेट्स, यूपी टीचर्स एग्जाम, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए वहाँ कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस शॉर्ट नोट्स, या कहें तो फाइनल रिवीजन होगा ये ईवीएस के लिए, पर्यावरण अध्ययन या एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर सीटेट पेपर 1 2018। बिल्कुल एग्जाम आपका सर्वर है ये कह सकते हैं, और ये जो नोट्स हैं ये आपके पास होंगे ऑलरेडी अगर आप लेट्स लर्न से पहले से जुड़े हुए हैं। अगर नहीं जुड़े हुए हैं या पहले से भी जुड़े हुए हैं तब भी इनको ज़रूर देखें। इस बार मेन मेन चीज़ों को छांट करके और बिल्कुल फाइनल रिवीजन के टाइम पर क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है उनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि देख के और सुनकर ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं बेसिकली इफेक्टिव रहते हैं, तो ये आप बिल्कुल ध्यान से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आपके बहुत सारे मार्क्स यहाँ से निकलेंगे ईवीएस में फॉर श्योर, हर बार आता है एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी के नोट्स हैं बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स में, तो ये क्वेश्चंस की तरह आप इनको ट्रीट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट पेशेंस बना के रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं तो। बहुत स्पीड में चलने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आप देख सकते हो, द बैम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड इन असम। तो जो बैम्बू और रोप ब्रिज है, मतलब रस्सी का और बांसों का जो पुल है, उसका इस्तेमाल किया जाता है असम में या आसाम में, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है तो बारिश में जो एक रोप ब्रिज है उसको बना दिया जाता है बांसों की मदद से और रस्सियों की मदद से। नेक्स्ट है, ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है लद्दाख में। वो ट्रॉली आपने देखी होगी, दो रस्सियों से बंधी होती है थोड़ा ऊपर काफ़ी हाइट पर, तो ये लद्दाख में इस्तेमाल होती है ट्रॉली। सीमेंट ब्रिज का इस्तेमाल हम नॉर्मल जो एरियाज हैं अपने, जहाँ जैसे कि आप सभी जिन भी मैदानी इलाकों में रहते होंगे वहाँ जो है नॉर्मल एरियाज में सीमेंट ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं। वेलम का इस्तेमाल होता है, एक वुडन बोट होती है, लकड़ी की नाव, केरला में। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसलिए बार बार रिविजन ज़रूरी है इनका, क्योंकि आप जरा सा भूलेंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वेलम एक स्मॉल वुडन बोट है, केरला में पाई जाती है। फेरी इज अ काइंड ऑफ बोट यूज्ड इन केरला। फेरी एक दूसरे प्रकार की बोट है जो लंबी सी होती है, चोंच वाली, वो भी केरला में इस्तेमाल की जाती है। तो वेलम और फेरी दोनों केरला में इस्तेमाल की जाती हैं। फिर है कैमल कार्ट, कहाँ इस्तेमाल होता है, जो आपकी ऊंट गाड़ी है ये कह सकते हैं, तो ये आपका राजस्थान में, कैमल पाई भी वहीं जाते हैं, रेगिस्तान काफ़ी है। फिर है ब्लॉक कार्ट्स, तो ब्लॉक कार्ट्स जो है घोड़ा गाड़ी जिसको कह सकते हैं, या बुल वाली कह सकते हो, तो इसमें ये होती है विलेज इन प्लेन्स, जो नॉर्मल विलेज एरियाज हैं आपके नॉर्दर्न इंडिया में वहाँ स्पेसिफिकली इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर है द पाथ्स आर रॉकी, जो माउंटेन्स होते हैं स्पेशली इन उत्तराखंड, जो पाथ्स हैं, जो रास्ते हैं वो कैसे होंगे, ऊबड़ खाबड़ होंगे, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है। नेक्स्ट है, अ बर्ड हैज़ इट्स आइज ऑन इट्स हेड एंड द होल्स आर कवर्ड विद द फीदर्स, दे हेल्प देम टू हियर। तो ये ध्यान में रखने वाला पॉइंट है, कई बार पूछा गया है कि जो बर्ड्स की आय होती है, मतलब आइज होती हैं, जो पक्षी हैं उनकी जो आंखें हैं वो उनके सर पर होती हैं, और ये कह सकते हैं कि वो एक टाइम पर दो ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं, और जो इनके कान हैं वो होल्स की तरह, दो छेदों की तरह कवर्ड होते हैं इनके फीदर्स से, जो इनके फर है उससे, तो इनके कान नहीं दिखते हैं पक्षियों के, लेकिन आँखों की जो देखने की क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा एक और चीज़ थी कि इसके बारे में और भी दो तीन पॉइंट होंगे जिनको आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, लिजार्ड हैज़ द सेम काइंड ऑफ ईयर्स। भाई लिजार्ड के भी सेम काइंड ऑफ ईयर्स होते हैं, जिसमें कुछ, मतलब बेसिकली आप देख नहीं सकते हैं लिजार्ड के ईयर्स को, वो भी उसके फीदर्स से, उसके जो उसका जो फर है, उसके जो बाल हैं उससे ढके हुए होते हैं। नेक्स्ट है, क्रोकोडाइल टू हैज़ इट्स आइज लाइक दिस। देखिए यहाँ पर क्रोकोडाइल की आइज नहीं, क्रोकोडाइल के ईयर्स होंगे जो दिखते नहीं हैं, आइज उसकी विजिबल होती हैं, तो यहाँ पर ईयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू देयर हेयर ऑन द स्किन। तो जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं, जैसे जेब्रा है या और बहुत सारे एनिमल हैं, आपकी कोई नॉर्मल काउ हो सकती है, तो वो जो पैटर्न बनते हैं एक एनिमल की स्किन पर, वो उसके बालों की वजह से बनते हैं, हेयर की वजह से बनते हैं। ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है, यदि हेयर नहीं होंगे, बाल नहीं होंगे किसी एक एनिमल जानवर की बॉडी पर, तो क्या होगा, कोई भी पैटर्न नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि एकदम बाल्ड दिखेगा या गंजा दिखेगा। नेक्स्ट है, एनिमल्स विद ईयर्स हेयर ऑन द बॉडी। अब ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है, ऐसे एनिमल्स जिनके बाहर कान होते हैं और बाल होते हैं, वो बच्चों को या अपने जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है उनको जन्म देते हैं, और दूसरे जो वो एनिमल जिनके कान बाहर नहीं दिखते, जैसे कि क्रोकोडाइल, जैसे कि आपका लिजार्ड है, या जो बर्ड्स हैं इस तरह के, वो एग्स को लेकर देते हैं, अंडे देते हैं।
तो ये ध्यान में रखा जा सकता है। जिनके बाहर कान दिखते हैं वो जन्म देंगे, जैसे गाय है या हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और जिनके कान बाहर नहीं दिखते उनको वो अंडे देते हैं। नेक्स्ट है, द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम्स द हेड ऑफ द हर्ड। एंड एलिफेंट से एक क्वेश्चन आराम से आ जाता है हर बार। तो एलिफेंट जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी होती है उसको हेड बनाया जाता है एक झुंड का हाथियों के, किसको, फीमेल एलिफेंट को, जो सबसे बूढ़ी होगी, ओल्डेस्ट होगी। और एक और चीज कि इन जो हर्ड है एलिफेंट का उसमें कोई भी मेल एलिफेंट नहीं पाया जाता, वो छोड़ जाते हैं मेल एलिफेंट्स हर्ड को, झुंड को, जैसे ही 14 साल के, 14 या 15 साल के होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और जो एक अडल्ट एलिफेंट है वो 100 किलोग्राम तक की लीव्स और ट्विग्स को खा सकता है एक दिन के अंदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स। तो इतने बड़े शरीर होने के बावजूद जो आपका एलिफेंट है, हाथी है, सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है। नेक्स्ट है, जो मड है, कीचड़ में आपने देखा होगा हाथी रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो उनकी स्किन है, त्वचा को, वो कूल रखती है, जो कीचड़ है या मड है। नेक्स्ट है, देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। जो हाथी के बड़े बड़े कान हैं वो उसके लिए फैंस का काम करते हैं, पंखों का, और वो उसको फ्लैप करता है जिससे कि उसको थोड़ी ठंडक मिले। ऐसे ही वो फ्लैप करेगा, खोलेगा, बाहर करेगा, तो उससे क्या होगा, हवा आएगी, उसको कूल होता है वो, किससे, मड से, और अपने कानों के फैंस को यूज करके। नेक्स्ट है, देर आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस इन अ हर्ड। तो कितने लोग होते हैं, या कहें कितने एलिफेंट होते हैं आपके एक एलिफेंट के हर्ड में, एक झुंड में, तो 10 से 12 मादा हाथी होती हैं और उनके छोटे बच्चे होते हैं, जो मेल हैं वो अडल्ट मेल नहीं होते, 14-15 साल के बाद छोड़ देते हैं हर्ड को। नेक्स्ट है, जो खिजाड़ी विलेज है वो कहाँ है, जोधपुर राजस्थान के पास है, मतलब जोधपुर में है, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है, खिजाड़ी विलेज की एक स्टोरी है बेसिकली पेड़ों की, तो उसको हम आगे देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता था, 300 साल पहले खिजाड़ी विलेज में राजस्थान के अंदर वुड से, मतलब लकड़ी से घर बनाए जाते थे। और ये जो इस गांव के लोग थे, पूछ सकता है कि बिश्नोई किनको कहा जाता था, जो खिजाड़ी विलेज के लोग थे उनको बिश्नोई कहा जाता था। अब ये जो खिजाड़ी नाम क्यों है इस विलेज का, क्योंकि एक टाइप का यहाँ पर ट्री था, खिजाड़ी ट्री, जो यहाँ ग्रो होता था, जिसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसलिए राजस्थान में ऑब्वियसली पानी की कमी है, तो रेगिस्तान है, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा एक ट्री था। अब इससे क्या हुआ, ये घर भी इसी से बनाते थे। और दूसरा इसका एक और फायदा था खेजाड़ी ट्री का, कि एक तो ये बीन्स देता था, दूसरा इंसेक्ट जो है कीड़े मकोड़े, उनसे इसको कोई हार्म नहीं होता था, अफेक्ट नहीं होता था। तो इनके लिए एक रिसोर्स की तरह काम कर रहा था ये, उन लोगों के लिए, बिश्नोईज के लिए जो वहां रहा करते थे। ठीक है, तो इसके इसको काटने से संबंधित भी कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखना बहुत जरूरी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो जो मधुमक्खियां होती हैं वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में अपने अंडे देती हैं, तो ये ध्यान में रखें। ये पूछ लिया है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे हुए मिलेंगे और बार बार रिपीट होते हैं क्योंकि कॉन्टेंट लिमिटेड है। नेक्स्ट है, एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी दैट लेज एग। भाई हर एक मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है, एक क्वीन भी होती है। क्वीन भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो जो एग्स हैं वो ले करती है। और दूसरी एक बात, बहुत कम मेल्स होते हैं बीहाइव में भी, मतलब मधुमक्खियों में भी। और जो ये मेल्स हैं, मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। तो ज्यादातर क्या है, वर्कर बीज जो काम करती हैं, ऐसी मधुमक्खियां होती हैं। और क्वीन भी क्या है, अंडे देती है, तो वो एक स्पेशल क्वीन नाम दिया हुआ है उसको। दूसरा, जो मेल बीज हैं वो बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं। तो जो मेन सारा चल रहा है यहाँ पर भी, जैसे हाथियों में था, यहाँ पर भी किससे चल रहा है, फीमेल जो बीज हैं उनके द्वारा काम चल रहा है। नेक्स्ट है, जो कच्छ है आपका, रन ऑफ कच्छ आपने सुना होगा, गुजरात में है। और फूड ऑफ गुजरात क्या है, आपने ये भी सुना होगा, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस, मिठाई। तो ये लोग मीठा हर चीज में यूज करते हैं। अहमदाबाद और वलसाद कहाँ पर पड़ते हैं, गुजरात में पड़ते हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट सी जनरल सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, मडगांव इज इन गोवा। तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि मडगांव कहाँ पर है, गोवा में है। अब यहाँ पर एक और चीज है, देर आर 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। तो 2000 तो ब्रिज हैं और 92 टनल हैं, जो नीचे रूट होता है किसके लिए, ट्रेन के लिए, गोवा से केरला जाते समय। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखें, इनको कुछ नहीं पता है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको लग रहा होगा कि ये भी कोई पूछने लायक बात है, बट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कोझीकोडे या कोझीकोड इज अ सिटी इन द स्टेट ऑफ केरला। भाई कोझीकोड क्या है, सदर्न इंडिया में, जो आपका दक्षिण भारत है, वहाँ केरला, केरल में मालाबार कोस्ट पर स्थित है। और इसको कैलीकट तट आपने सुना होगा, कालीकट, जहाँ वास्को डी गामा ने पहली बार मतलब पहुंचा था। तो ये एक चीज है, कालीकट भी कहा जाता है किसको, कोझीकोड को। तो ये ध्यान में रखें, कहाँ है ये, केरला में। नेक्स्ट है, लैंग्वेज वेयर इट इज स्पोकन। भाई लैंग्वेज किस स्टेट में बोली जाती है, उसके हिसाब से दिया हुआ है, मलयालम केरला में, कोनकानी कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा और उसके केरला के कुछ
सम पार्ट्स में। तो ये कोंकणी क्या है, इन सारे स्टेट्स में कॉमन है, कुछ कुछ लोग ये बोलते हैं। नेक्स्ट है मराठी, कहाँ पर बोली जाती है, तो महाराष्ट्र में गोवा के कुछ लोग बोलते हैं, दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली। कन्नड़ा कहाँ है, तो कर्नाटका में कन्नड़ा का इस्तेमाल किया जाता है, कन्नड़ा भाषा का, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में। नेक्स्ट है द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड, जो फ्लावर वैली है उत्तराखंड के हिल्स में पाई जाती है, इस पर कुछ मूवीज भी बनी हुई है तो उससे ध्यान रख सकते हैं। और फ्लावर्स लाइक मेरी गोल्ड्स जेनिया आर यूज टू डाई क्लोथ्स, तो क्लोथ्स डाई करने के बारे में आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में, कि जो फूल हैं जैसे कि मैरी गोल्ड का हो गया और जेनिया का हो गया, ये क्या है, क्लोथ्स को कलर करने में या डाई करने में काम आते हैं। तो पूछ लेगा कि मैरी गोल्ड किस काम आता है, तो आप कहेंगे डाई क्लोथ्स, जीनिया किस काम आता है, तो डाई क्लोथ्स। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, कन्नौज नाम की एक जगह है उत्तर प्रदेश में जो इत्र के लिए फेमस है, इत्र बनाने के लिए, मतलब परफ्यूम मेकिंग के लिए। नेक्स्ट है मधुबनी इज अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट, मधुबनी पेंटिंग्स का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही पुरानी एक कला कह सकते हैं या एक पुरानी संस्कृति की एक आर्ट है। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट मधुबनी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है, इसलिए मधुबनी कहते हैं क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट का नाम मधुबनी है और वहाँ की पेंटिंग्स को मधुबनी पेंटिंग्स कहा जाता है। ये जो पेंटिंग्स हैं ये इनकी खास बात ये है कि ये बनाई जाती हैं जो आपके राइस मतलब कि चावल हैं उनके अंदर कुछ नेचुरल कलर मिक्स करके एक पेस्ट बना करके, और इनमें हाथी घोड़े इस तरह की चित्रकारी होती है। और इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग भी। टू मेक दीज, जो ये पेस्ट है इसके लिए इंडिगो मतलब नील, आपने सुना होगा नील की खेती होती थी बिहार में काफ़ी, और टर्मरिक हल्दी और कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज, अभी मैंने बताया कि जो नेचुरल कलर्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो कलर्स के लिए नील मतलब इंडिगो का, टर्मरिक हल्दी का, और जो फ्लावर और ट्रीज से कलर्स हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाता है मधुबनी पेंटिंग को बनाने के लिए। नेक्स्ट है द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स एनिमल्स ट्रीज फ्लावर्स बर्ड्स फिश एंड मैनी अदर एनिमल्स, तो ये जो पेंटिंग्स हैं क्या दिखाती हैं, इनमें कुछ ह्यूमन बींग्स मानव भी दिखते हैं, कुछ एनिमल्स भी दिखते हैं, कुछ ट्रीज भी शो होते हैं, कुछ फ्लावर्स भी और कुछ बर्ड्स भी, फिश वगैरह अदर एनिमल्स, तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का ट्रीज का कॉम्बिनेशन है ये। आप अगर सर्च करेंगे अपनी बुक में भी देखेंगे एनसीईआरटी में, या पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई है वहाँ पर फोटो है मधुबनी पेंटिंग्स का। नेक्स्ट है बेलवेनिका विलेज इज इन कर्नाटका, तो ये एक आध ऐसा पॉइंट है जो याद रह जाए तो रह ही जाए, बेलवेनिका कहाँ है, कर्नाटका में है, क्योंकि मैप से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये भी ध्यान में रखें कि कौन सा स्टेट किसके पास है, किसके बीच में कितनी स्टेट आते हैं। नेक्स्ट है गीजू भाई बडेका लिव्ड इन गुजरात, ही रोट मैनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, तो गीजू भाई बडेका बहुत एक अच्छा इनको माना जाता है, बच्चों के लिए इन्होंने बहुत एमिनेंट काम किया, स्टोरीज के थ्रू उनको सिखाने का काम था, तो वो एक चीज़ है गुजरात में रहते थे। नेक्स्ट है एन इंडियन रॉबिन, बेसिकली फिलोसोफी में इनका कुछ कुछ काम है, एन इंडियन रॉबिन लेज इट्स एग्स इन बिटवीन ऑफ स्टोन्स अलोंग रोड साइड, अब जरूरी है याद रखना कि जो इंडियन रॉबिन एक पक्षी है वो अपने अंडे कहाँ देता है, स्टोन्स के बीच में देता है, रोड साइड रखे हुए स्टोन्स के बीच में। नेक्स्ट है कोयल कहाँ पर अपने अंडे देती है, तो एक क्रो मतलब कॉय के नेस्ट के अंदर, और जो बर्ड्स हैं सिर्फ और सिर्फ अपने नेस्ट को, अपने घोंसले को एग ले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एग जो है अंडे देने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, और जब ये जो पक्षी हैं ये बर्ड्स जब अपने अंडे दे देते हैं, एग्स ले कर देते हैं, हैश कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, और इनके बच्चे जो चिकन्स हैं वो ग्रो हो जाते हैं, तो ये लोग लीव कर देते हैं, नेस्ट को छोड़ देते हैं। तो काम क्या हुआ मेन नेस्ट का, अंडे दिए बच्चों को थोड़ा सा जो ग्रो हुए, और उसके बाद क्या हुआ छोड़ दिया नेस्ट, बस इतना ही काम है नेस्ट का। नेक्स्ट है नल्ला मदा इज इन आंध्र प्रदेश, तो एक और जगह है नल्ला मदा जो है आंध्र प्रदेश में। होली गुंडी कहाँ है, कर्नाटका में। अब और इम्पोर्टेंट चीजें समझते हैं, द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ इन हिलगुंडी, तो हिलगुंडी की कर्नाटका की कहानी है, भीमा संघ कहा जाता था बच्चों की पंचायत को, और ये पानी या कुछ लेक वगैरह के एक उससे भी रिलेटेड संघ है, तो इसको भी ध्यान में रखें। अबाउट बनियन ट्री, जो बनियन ट्री जिसको कहते हैं बरगद का पेड़, ये वॉट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस, तो आपने देखा होगा या कभी सुना होगा जो बनियन ट्री है बरगद का पेड़ है, जो इसकी ब्रांचेस हैं वो नीचे लटकी हुई होती है, मतलब पेड़ से नीचे लटकती हैं, जनरली रूट्स जो हैं आपकी जो ब्रांचेस हैं, फिर से समझ लेते हैं पढ़ के, वॉट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री। हाँ, तो जो हम बेसिकली, मैं भी वही बोल रही थी कि देख करके जिसको हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ब्रांचेस हैं, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर से लटकती हैं, अब हम उनको ब्रांचेस मानते हैं बट वो होती रूट्स हैं, तो जो बनियन ट्री या बरगद के पेड़ से लटकने वाली चीज है वो रूट है, उसकी जड़ हैं जो बाहर होती हैं, ऊपर होती हैं, और जनरली सभी पेड़ों में जमीन के नीचे पाई जाती हैं, तो एक अलग बात है बरगद के पेड़ के बारे में जो आप जरूर ध्यान में रखें।
नेक्स्ट है डेजर्ट ओक इज अ ट्री दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. तो डेजर्ट ओक करके एक ट्री है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है. इसकी कुछ खास बात ये है, जो इसकी रूट्स हैं वो बहुत डीप डाउन जाती हैं ग्राउंड के अंदर, मतलब जो ग्राउंड लेवल वाटर है वहां तक पहुंच जाती हैं, और ये अपनी जो ये ट्री ट्रंक है इसमें पानी को स्टोर करता है. तो ध्यान में रखें, इसकी रूट्स बहुत नीचे ग्राउंड लेवल तक पानी तक पहुंच जाती हैं, और क्या होता है इसकी जो ट्रंक है उसके अंदर पानी को स्टोर कर लेती हैं. नेक्स्ट है बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम. बिहू आपने सुना होगा, असम मतलब आसाम का एक फेस्टिवल है जो नई फसल कटने के ओकेजन पर ये लोग सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट है माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड. तो माघ बिहू कब सेलिब्रेट होता है, 14 से 15 जनवरी के बीच, जब नई फसल कटती है आती है. और दूसरा फर्स्ट एंड सेकेंड माघ जो है इनके असमीज कैलेंडर के अंदर. नेक्स्ट है दे मेक भेला घर फ्रॉम बैम्बू. तो अब बिहू फेस्टिवल में क्या करते हैं असमीज लोग, तो वो भेला घर बनाते हैं बांस से, एक घर बनाते हैं काइंड ऑफ. और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, मुक्तापुर विलेज इज इन दी पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. तो मुक्तापुर विलेज कहाँ है, एक पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश के. और पोचमपल्ली की एक चीज फेमस है जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने लास्ट टाइम जब कराया था तो बताया था. नेक्स्ट है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस आर कारपेट वीविंग, टॉय मेकिंग, इत्र परफ्यूम प्रोडक्शन एटसेट्रा. अब जो पोचमपल्ली है यहाँ की यही सारी चीजें फेमस हैं. ये क्या करते हैं, जो कारपेट वीविंग है उसको वहां पर वीव करते हैं कारपेट को, खिलौने बनाए जाते हैं और परफ्यूम बनाया जाता है. दीज थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ द प्लेस. कुछ ऐसी चीजें हैं जो जगह के नाम से ही फेमस हो गई, जैसे कुल्लू मनाली या कुल्लू के क्या है शॉल फेमस हैं, मधुबनी पेंटिंग्स फेमस हैं क्योंकि बिहार में एक जगह है मधुबनी, दूसरा असम का सिल्क फेमस है, कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी फेमस है. तो ये चीजें ध्यान में रखें कि कुल्लू के शॉल्स, मधुबनी पेंटिंग्स, असम का सिल्क, कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी, तो ये कुछ चीजें हैं. और जो आपका पोचमपल्ली है मुक्तापुर में, यहाँ पर क्या होता है कारपेट वीविंग होती है, टॉय मेकिंग होती है और परफ्यूम प्रोडक्शन. आबूधाबी जो है, आबूधाबी है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में, और यहाँ पर क्या है करेंसी क्या है आबूधाबी की, तो दिरहम है. और कैपिटल क्या है यूएई की, कृपा करके कमेंट सेक्शन में बताएं, इतना पता होना चाहिए, अगर आसपास का कुछ पूछ लेता है तो गड़बड़ हो जाएगी. नेक्स्ट है इन केरला यू कैन सी मैनी फ्रूट ट्रीज लाइक कोकोनट, बनानास, जैक फ्रूट, पपाया और बीटल नट. तो जो केरला है आपकी केरल, यहाँ पर जो कोकोनट है मतलब नारियल, बनाना आपका जो बनाना मतलब कि केला, जैक फ्रूट, पपाया, बीटल नट, ये सारे फ्रूट्स का जो ट्रीज हैं वो मिलते हैं. नेक्स्ट है द ओनली ट्री विच ग्रोज इन डेजर्ट इज डेट पाम. तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ट्री जो डेजर्ट में होता है वो है डेट पाम, जिसको खजूर कहते हैं. और ये जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई वगैरह में काफ़ी पाए जाते हैं. नेक्स्ट है यू कैन फाइंड वेरियस स्पाइसेस इन केरला लाइक तेजपत्ता, कार्डमम्स एंड ब्लैक पेपर. तो बहुत सारे जो मसाले हैं वो भी केरला में मिल सकते हैं, जैसे कि तेजपत्ता हुआ आपका, कार्डमम हुआ और ब्लैक पेपर, काली मिर्च. नेक्स्ट है गरम मसाला इज मेड ऑफ स्मॉल एंड बिग कार्डमम, क्लोव, क्यूमिन सीड्स, सिनेमन, ब्लैक पेपर और ड्राई जिंजर. तो आप ये मान लीजिए कि जो मसाला है सारा कहाँ से आ रहा है, इंडिया में, या बहुत ज़्यादा पाया जाएगा कहाँ पर, केरला में. तो ये एक ध्यान रखने का तरीका हो सकता है. नेक्स्ट है दिस इज द स्टोरी ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म. वहीदा प्रिज्म एक महिला है जिनके बारे में इस बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, जो कि एक डॉक्टर हैं इंडियन नेवी के अंदर. ये पहली महिला थी जिन्होंने परेड में हिस्सा लिया, और परेड में क्या है बेसिकली 36 कमांड होती हैं जिनको इन्होंने सक्सेसफुली अचीव किया होगा. और वहीदा प्रिज्म कहाँ से हैं, तो थन्नामढ़ी एक जगह है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर के. तो ये ध्यान में रखना है, ये सारे क्या करेगा, तीन ऑप्शन में दे देगा वहीदा प्रिज्म के बारे में, तीन बातें ठीक होंगी एक गलत होगी, वो आपको पहचानना होगा. तो इनको ध्यान में रखें, इंडियन नेवी में डॉक्टर हैं, हो सकता है कह दे कि ये फाइटर हैं, तो आपको पहचान लेना है कि गलत लिखा है. इसी तरह से ये पहली महिला हैं जिन्होंने परेड को लीड किया, 36 कमांड होती हैं परेड में, 36, और थन्नामढ़ी जगह की हैं, राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK. तो इसको वैसे ही ना लें फॉर ग्रांटेड, इस तरह का एक क्वेश्चन कर्णम मलेश्वरी पर भी आया हुआ है, ऐसी डिटेल दी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये दिख जाए आपको. नेक्स्ट है तिब्बतन ऑल्सो कॉल्ड भोती इज द लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख. तो टाइपटन लैंग्वेज या तिब्बतन लैंग्वेज भोती के नाम से जानी जाती है. कहाँ बोली जाती है भाषा, लद्दाख के अंदर. तो भोती आए या तिब्बतन आए, लद्दाख की भाषा है. और जो ये बेसिकली ये भोती भाषा है, भोती लैंग्वेज है, या लद्दाख की जो ये लैंग्वेज है तिब्बतन, इसमें जो फादर हैं उनको आमाले कहा जाता है, और जो मदर हैं उनको आबाले कहा जाता है. मतलब सॉरी, मदर को आमाले मतलब अम्मा जिस तरह से हम लोग बुलाते हैं, और फादर को आबाले. तो ये ध्यान में रखें. एज द आंट्स मूव, अब ये कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स के बारे में कहानी है कि जो जैसे चींटियाँ मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो एक स्मेल छोड़ जाती हैं ग्राउंड पर. उससे क्या होता है, जो बाकी के उनकी जो चींटियां हैं दोस्त कह सकते हो, जो उनका झुंड है,
वो उसको फॉलो करता रहता है। तो चींटी आपने देखा होगा एक के साथ एक मतलब पूरी लाइन में चलती हैं आगे पीछे, तो क्योंकि वो स्मेल छोड़ जाती हैं अपनी ग्राउंड पर और बाकी के उन्हें सूंघ के उसके पीछे आ जाते हैं। तो ये ध्यान में रखें, अच्छा पॉइंट है। दूसरा, एक सिल्क वॉर्म जो है वो अपनी फीमेल वॉर्म को, अपनी जो मादा वॉर्म है उसको बहुत किलोमीटर से ही स्मेल कर लेता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछ ले कि कैसे ढूंढता है अपनी जो फीमेल वॉर्म है तो बहुत सारे किलोमीटर्स से, मैनी किलोमीटर्स अवे से स्मेल कर लेगा। नेक्स्ट है, मॉस्किटोज कैन फाइंड पीपल बाय द स्मेल ऑफ देयर बॉडी। जो मच्छर हैं वो लोगों को कैसे ढूंढते हैं, भाई अंधेरा हुआ है तो मच्छर को तो कोई टॉर्च है नहीं उसके पास, तो मच्छर क्या करता है, स्मेल सूंघता है, एक इंसान की खुशबू सूंघता है। तो ये सबके अलग अलग जीव के अपने आइडेंटिफाई करने के लोगों को या अपने साथियों को तरीके हैं। नेक्स्ट है, दे ऑल्सो फाइंड देम बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देयर फीट। तो जो हमारे सोल हैं फीट के और हमारी जो हीट है बॉडी की, उससे भी हमें मच्छर पहचानते हैं या पकड़ लेते हैं जा करके। और जो डॉग्स होते हैं वो अपने एरिया को मार्क करते हैं रोड्स पर, आपने देखा होगा इधर से उधर यूरिन और पॉटी करते हुए घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको अपना एरिया मार्क करना है कि भाई ये एरिया जो है हमारा है, जितने एरिया में उन्होंने सूसू पॉटी कर दिया है। और जो अगर कोई और भी डॉग उस एरिया में कभी भी आएगा, एंटर करेगा, तो उनको पता लग जाता है स्मेल ऑफ देयर यूरिन और पॉटी से। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड एंड देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। तो यही हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में, या कहें तो शुरुआत में, कि ज्यादातर बर्ड्स की जो आईज हैं वो उनके दोनों साइड होती हैं। अब एक तो बात हमने ये समझी थी कि उनके हेड्स पर होती है, मतलब कि जो सर है वहां होंगी, और हेड के भी दोनों साइड, तो वो दो, देखा होगा आपने ऑब्वियसली किसी भी बर्ड को देखा होगा, दोनों साइड होती है, तो वो एक टाइम पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, जब वो सामने देख रहे होते हैं तो जो उनकी दोनों आंखें हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करती हैं। किसी भी बर्ड का फोटो देखेंगे तो पता लग जाएगा। और इनके आईज, जो इनके ईयर हैं, वो दिखते नहीं है क्योंकि इनके फीदर्स से ढके हुए रहते हैं। नेक्स्ट है, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, दैट्स व्हाई बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। भाई जो ज्यादातर बर्ड्स हैं वहां पर फिक्स्ड होती हैं उनकी आईज, तो वो एक टाइम पर ऐसे उनको पूरा घूमना पड़ता है, अपनी गर्दन को घुमाना पड़ता है अगर पीछे या ऐसे आसपास देखना है तो। अच्छा, ये जो वीडियोज हैं 2 से 3 वीडियोज में पूरा रिविजन कर लेंगे, ये मैं बताना भूल गई हूँ आप लोग को। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। तो जो कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि काइट आपकी चील है, ईगल है, वल्चर है, ये सब क्या है, 4 गुना ज्यादा बेहतर देख लेते हैं हम लोगों से। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान में रखें। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 meters, 8 मीटर की दूरी से, और 4 गुना बेहतर देख लेते हैं हम लोगों से, इंसानों से। और 2 मीटर के डिस्टेंस से हम जो चीज़ देखेंगे वो ये 8 मीटर के डिस्टेंस से देख लेते हैं, मतलब 4 times बेहतर देख पाते हैं। नेक्स्ट है, एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। तो एनिमल्स जो हैं बहुत ज़्यादा कलर्स को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, स्पेशली जो एनिमल्स दिन में जगते हैं वो बहुत कम, जो कुछ कलर्स को इवन देख पाते हैं, सम कलर्स को एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बट कुछ एनिमल्स जो सिर्फ रात में जगते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं चीज़ों को। तो ध्यान में रखें, जो उल्लू है आपका, मतलब आउल, वो रात में जगता है, तो इसलिए वो ब्लैक एंड वाइट में ही दिखती हैं उसको चीज़ें, क्योंकि जो लोग दिन में जगते हैं, लोग नहीं, बेसिकली एनिमल्स, उनको कुछ कलर तो नज़र आ जाते हैं एटलीस्ट, बट हमारे जितने नहीं, ह्यूमन बींग्स जितने, लेकिन जो रात को जगेगा जैसे कि आउल है या आपके बैट्स हो सकते हैं, तो ये ब्लैक एंड वाइट में ही दिखेगा इनको सब कुछ। नेक्स्ट है, स्नेक्स आर डेफ एंड दे ओनली फील वाइब्रेशंस। तो आप जानते हैं कि जो सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, डेफ होते हैं, डम मतलब डेफ मीन्स बहरे होते हैं, वाइब्रेशंस से, जो धरती पर या ग्राउंड पर वाइब्रेशन होती हैं उससे वो समझते हैं, फील करते हैं। नेक्स्ट है, जो कुछ बर्ड्स होती हैं उनकी अलग अलग साउंड होती हैं अलग अलग सिचुएशन में, डेंजर और हैप्पीनेस को शो करने की। जैसे जो लंगूर है, बर्ड्स और एनिमल्स की, जो लंगूर है, टाइगर है और लियोपार्ड है, इन सबकी अपनी अलग अलग साउंड होगी। जब खुश होंगे तो अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जब डेंजर होता है तो अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। और जो ये कुछ एनिमल्स होते हैं जो डिफरेंट बिहेव करना शुरू कर देते हैं, अलग सा बिहेव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको पहले ही वाइब्रेशन से पता लग जाता है कि अर्थक्वेक या फिर स्टॉर्म आने वाला है। और गुजरात में आई थिंक एक सुनामी के टाइम पर इन्होंने, या तो कुछ तो इस तरह का हुआ था भूकंप के टाइम पर, बहुत हेल्प की थी कुछ एनिमल्स ने, ट्राइब्स को काफ़ी हेल्प करते हैं ये, उनको पहले ही पता लग जाता है कि भाई कुछ ना कुछ डेंजर है अगर ये एनिमल इस तरह से बिहेव कर रहा है तो। नेक्स्ट है, पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर। यही बात मैंने आपको बताई है, जो लोग जंगल में रहते हैं वो ऐसे बिहेवियर पहचान लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि डेंजर कब है, मतलब कुछ खतरा है या नहीं। कुछ जानवर जो हैं या एनिमल्स हैं, इनकी रेप्टाइल्स कह सकते हैं, स्लीप के बारे में जान लेते हैं। जो लिजार्ड्स हैं वो एक लंबे समय के लिए सोने चली जाती हैं, ऑलमोस्ट एक सीजन तक सोती रहती हैं, जैसे कि आप देखते हैं सर्दियों में गायब हो जाती हैं। दूसरा, जो गाय है वो 4 घंटे सोती है लगभग। जो पाइथन है, जो आपने देखा होगा पाइथन,
वो 18 घंटे सोता है, जिराफ आपका 2 घंटे सोता है, और कैट जो है वो 12 घंटे सोती है आराम से। तो ध्यान में रखें, पाइथन और जो आपका कैट है वो बहुत ज्यादा सोते हैं, 18 और 12 घंटे। लिजार्ड तो एक सीजन के लिए गायब हो जाती है। काऊ सिर्फ 4 घंटे सोती है और जिराफ 2 घंटे। तो ये एक बात हुई, ये जरूरी है याद रखना, आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द टाइगर। टाइगर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। जो एक टाइगर है वो 6 गुना बेहतर देख सकता है रात में हम लोगों से। दूसरा, जो इसके विस्कर्स होते हैं, जो आपने देखा होगा मूछें होती हैं हल्की हल्की, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं और जो वाइब्रेशन है एयर में उनको एकदम सेंस कर लेती हैं, मतलब जो हवाओं में भी वाइब्रेशन है उनको भी सेंस कर लेगा। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। तो ये जो इसके विस्कर्स हैं जो इसको पता लगा जाते हैं वाइब्रेशन और मूवमेंट के, अगर आसपास कोई आ भी जा रहा हो तो ये अंधेरे में भी एक तो देखेगा बहुत अच्छा, दूसरा अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो मतलब बहुत अलर्ट एनिमल है टाइगर। दूसरा है एक और पॉइंट, टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प, मतलब देखता बहुत अच्छा है, सुनता बहुत अच्छा है। और ये जो डिफरेंस है दो चीजों के बीच में, मतलब जो रस्टलिंग ऑफ लीव्स है, जो लीव्स की खड़खड़ाहट की आवाज है, और एक एनिमल का मूव करना, मतलब हो सकता है भाई कई बार हमें तो पता लगेगा नहीं कि जो ये लीव्स हैं, मतलब जो पत्तियां पड़ी हैं जंगल में, उनमें कुछ खड़खड़ाहट होगी, मूवमेंट होगी। तो ये उस मूवमेंट और एक एनिमल के चलने में दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। नेक्स्ट है द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प्स टू कैच हिम द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड। तो जो कान है एक टाइगर के वो इसको हेल्प करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने के लिए और सारी साउंड्स को सुनने के लिए। नेक्स्ट है टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज। तो जो टाइगर्स हैं वो अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग साउंड निकाल देते हैं। जब ये गुस्सा होते हैं तो ये एक टाइग्रेस को बुलाते हैं आवाज निकाल करके, ठीक है। नेक्स्ट है इट कैन ऑल्सो रोर और स्नाल। रोर कर सकता है, दहाड़ सकता है, स्नाल कर सकता है, और इट्स रोर कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स। तो बहुत जरूरी है ये पॉइंट ध्यान में रखना कि 3 किलोमीटर तक जो टाइगर की दहाड़ है उसको आप सुन सकते हैं। अब डेंजर के बारे में बात कर लेते हैं एनिमल्स के, जो खतरा क्या है एनिमल्स को। भाई टाइगर हम समझ रहे थे कि बहुत ज्यादा अलर्ट एनिमल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो टाइगर है आज के समय में आप जानते हैं डेंजर्ड या एंडेंजर्ड एनिमल्स में आने की पूरी कैटेगरी में है, बहुत कम है आज के टाइम पर इंडिया में भी, और इतना अलर्ट होने के बाद भी इसको डेंजर है, खतरा है। दूसरा है एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स, राइनोसोर्स फॉर इट्स हॉर्न, टाइगर्स क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन्स। तो खतरा कहाँ से है, हम ही लोगों से है खतरा। हम क्या कर रहे हैं, जो एलिफेंट्स हैं उनको उनके टस्क के लिए मार देते हैं, राइनोसोर्स को उनके हॉर्न के लिए मार देते हैं, टाइगर्स और क्रोकोडाइल स्नेक वगैरह को उनकी स्किन के लिए मार देते हैं, क्योंकि हमें अच्छे बैग्स चाहिए, अच्छे लेदर चाहिए, अच्छे शूज चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिससे खतरा होता है एनिमल्स को। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। तो आपने कस्तूरी मृग सुना होगा, तो उसको मार दिया जाता है क्योंकि बहुत छोटा सा जो मस्क का हिस्सा है कस्तूरी का, वो सेंट में इस्तेमाल करना होता है ह्यूमन बींग्स को। तो वी आर सो सेल्फिश, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है सम फॉरेस्ट एरियाज दैट आर प्रोटेक्टेड बाय आर गवर्नमेंट। अब कुछ फॉरेस्ट एरियाज को हमारी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर दिया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने सुना होगा, सबसे पुराना भी है। तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। जो घना है, घना नेशनल पार्क, वो है आपके भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। तो ये दो अलग अलग हैं, इनको प्लीज ध्यान में रखें, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, और जो घना है वो आपका भरतपुर राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट में टाइगर पाया जाता है, बंगाल टाइगर आई थिंक। नेक्स्ट है इन दीज एरियाज नो बडी कैन हंट एनिमल्स और डेस्ट्रॉय द जंगल। तो भाई ये जो नेशनल पार्क जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो घना हो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का या फिर जिम कॉर्बेट हो उत्तराखंड का, यहाँ पर टाइगर्स हो या जितने भी एनिमल्स हैं उनको एक सेफ एनवायरमेंट में रखा जाता है। कोई भी इस जंगल को, जिस जगह पर इसको, इन टाइगर्स को या इन एनिमल्स को रखा गया है, हर्ट नहीं कर सकता, ना जंगल ना कि टाइगर्स को। ये एकदम प्रोटेक्टेड एरिया है जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है इन एनिमल्स की बेहतरी के लिए। अब स्नेक चार्मर की स्टोरी सुनिए। स्नेक चार्मर को एक सपेरा या फिर कालबेलियाज कहते हैं। तो सपेरा तो आप सब समझ जाएंगे, बट कालबेलियाज अगर पेपर में दे लेता है तो इसको ध्यान में रखना कि स्नेक चार्मर या फिर सपेरे को ही कहते हैं। नाग गुम्फन जैसे कुछ डिजाइन पाए जाते हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी में, और सौराष्ट्र गुजरात के अंदर इनको डेकोरेशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब ये नाग गुम्फन क्या है, इसमें शेप्स होती हैं कुछ स्नेक्स की, जिनको रंगोली में या डेकोरेशन में इस्तेमाल करते हैं। स्नेक चार्मर जो होते हैं, सपेरा या कालबेलिया जो है, वो एक स्नेक बाइट को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और मतलब एक बाइट को देख करके रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये स्नेक बाइट है। दूसरा, स्नेक चार्मर्स क्या है, कलेक्ट करते हैं, मेडिसिन्स बनाते हैं, और प्लांट्स को मतलब कलेक्ट करके और फॉरेस्ट में से अलग अलग प्लांट को ढूंढ करके स्नेक या कहें तो जो सांप की काटे हुए की जो दवाई है उसको ईजाद करते हैं आपके कालबेलियाज, और ये इनके बिल्कुल क्या कहें रोजी रोटी का साधन भी है। स्नेक्स आर हेल्पफुल फॉर फार्मर्स। तो जो स्नेक्स हैं वो
फार्मर्स का मतलब फ्रेंड कह सकते हो आप स्नेक्स को, हेल्पफुल है फार्मर्स किसानों के लिए, क्योंकि ये क्या होते हैं स्नेक्स, जो सांप है, जो रैट है, मतलब कि जो आपके चूहे हैं खेतों में, उनको खा जाते हैं, और नहीं तो क्या होगा, वो चूहे क्रॉप मतलब किसान की फसल को खा जाएंगे। तो एक दूसरे पर हम डिपेंडेंट हैं बिल्कुल, ये एक ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन पूछा भी गया है, स्नेक पर भी एक ना एक क्वेश्चन आता ही है हर साल, कि ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर फाउंड इन इंडिया, या कहें तो सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के पॉइजनस स्नेक हैं भारत में। तो इसको ठीक कर लें, अगर मैंने ही कहीं पर गलती की हो, आई थिंक एक क्वेश्चन पेपर में की है, तो वो ध्यान में रखें। 4 प्रकार के स्नेक्स हैं जो पॉइजनस हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, या कहें तो जहरीले हैं भारत में। सिर्फ 4 प्रकार हैं, एक तो कोबरा है, दूसरा कॉमन क्रेट है, दूसरा रसल स्वाइपर है, डुबोया जिसको कहते हैं, और फोर्थ है आपका सॉ स्केल्ड वाइपर अफाई। तो ये चारों ध्यान में रखें, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, डुबोया जिसको कहेंगे, और सॉ स्केल्ड वाइपर, ये चारों क्या हैं, पॉइजनस आपकी स्पीसीज हैं या प्रजाति हैं स्नेक की, मतलब सांप की। नेक्स्ट है, स्नेक हैज 2 हॉलो टीथ, मतलब कि स्नेक के क्या होते हैं, 2 फैंग्स होते हैं जिनको कहते हैं डंक, जिसको कहते हैं, तो 2 हॉलो टीथ होते हैं जिससे ये किसी को काटता है और जो पॉइजन है, जो इसका जहर है, वो एंटर कर जाता है एक पर्सन की बॉडी में। तो सिर्फ 2 हैं, ये भी ध्यान में रखें। तो एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई थी, तो इस वजह से मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ अच्छे से। नेक्स्ट है, द मेडिसिन फॉर अ स्नेक बाइट इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन। तो जो मेडिसिन है आपकी, जो कालबेलियाज या जो आपके सपेरे हैं, वो बनाते हैं किससे, जो प्लांट्स वगैरह हैं उनसे, और दूसरी एक और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो सांप का जहर है उसी से सांप की काटे की दवाई बनती है, मतलब जो सांप की स्नेक बाइट की जो दवा है, मेडिसिन है, वो स्नेक पॉइजन से ही बनेगी, और ये सब जगह पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। अब ये इंपॉर्टेंट से 2-4 पॉइंट हैं, इनको पढ़ लेते हैं। हमारे स्टमक के बारे में, जो हमारे पेट का टेम्परेचर है स्टमक का, वो 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये ध्यान में रखें। दूसरा, जो हमारे पेट या स्टमक में जो जूसेस हैं या जूस है, वो कैसा है, एसिडिक है नेचर में, तो ये भी ध्यान रखें। अम्लीय है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा राइस है, जो फसल है आपकी चावल की, वो कहाँ होती है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में होती है। कालाहांडी कहाँ है, ओडिशा या उड़ीसा में। अब जो राइस है, ये यहाँ से दूसरे स्टेट्स में भी भेजा जाता है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी खासी फसल है राइस की, लेकिन इतने ज़्यादा प्रोडक्शन के बाद भी राइस के यहाँ पर भुखमरी की हालत हो जाती है, बहुत गरीबी है कालाहांडी उड़ीसा में। नेक्स्ट है, मुस्लिन क्लोथ इज यूज टू स्ट्रेन समथिंग। तो मुस्लिन क्लोथ को स्ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल लाया जाता है। दूसरा, अत्रियापुरम टाउन इज इन आंध्र प्रदेश। तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसको ध्यान में रख सकते हो। जो ग्लास जार हैं और बॉटल्स हैं, उनको अच्छे से सुखाया जाता है धूप में, उनमें अचार भरने से पहले, क्यों, क्योंकि ताकि उनमें कोई मॉइस्चर ना बचे, उनमें थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर ना बच जाए, अगर पानी की कोई भी थोड़ा बहुत भी बूंद बचती है, तो जो अचार है वो खराब हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखें, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं, क्विक डिस्कशन कह सकते हैं, जो फाइनल रिवीजन है अपना ईवीएस का। और 2-3 वीडियो में, मतलब 2 और वीडियो आगे मैं कोशिश करूंगी एटलीस्ट 2 वीडियो में खत्म करा दूं, चाहे थोड़ी सी बड़ी बन जाए वीडियो, ताकि एंड मोमेंट पर आपका रिवीजन हो जाए, और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर लेंगे उतना बेहतर है। तो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 2 वीडियो में ही इसको खत्म कर लेंगे।